नमस्कार, उधर इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। हम अंक शास्त्र के मुताबिक अपने दर्शकों के लिए एक ज्योतिष स्पेशल खास शो लेकर आए हैं और आज हम बात करेंगे मूलांक छह की। मूलांक छह जो कि शुक्र से संबंधित नंबर है और इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध अंक शास्त्री संगीता शुक्ला जी। संगीता जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमें मूलांक छह के बारे में बताइए कुछ। मूलांक छह यानी शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह जो है वीनस, वीनस जो है वो बहुत ही लकी नंबर होता है सभी के लिए, क्योंकि जिनके भी न्यूमरो चार्ट में नंबर 6, 15 या 24 इससे बनता है मूलांक छह। तो ये तीनों नंबर जिनके भी डेट ऑफ बर्थ है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है, या डेट ऑफ बर्थ होने से क्या होता है कि इनके पास लग्जरी अपने आप आ जाती है। छह मूलांक वालों के लिए अगर छह अगर आपके निम्र चार्ट में, तो आपको खुश होना चाहिए कि आप वीनस ग्रह से रिप्रेजेंट करते हैं और वीनस ग्रह जो है वो आपको लग्जरी देता है। तो छह मूलांक वालों को आपने देखा होगा, या अभी आपने नहीं ध्यान दिया तो आप नोटिस कीजिए कि जिनका भी मूलांक छह है उनके पास लग्जरी अपने आप आ जाती है, और अगर लग्जरी नहीं आ रही है उनके पास या लग्जरी नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि उनकी नेम स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मूलांक छह जिनका है उनके पास जो है वो लग्जरी होनी चाहिए, उनके पास नाम पैसा शोहरत सब कुछ होना चाहिए, और अगर नहीं है कहीं ना कहीं वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो फिर उनको अपना न्यूमरोलॉजी जरूर किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से चेक करवाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें उनका हो सकता है कि नेम स्पेलिंग रॉन्ग वैल्यू पे आ रहा हो। तो छह नंबर जिसका है उसको मैं एक तो यही सलाह दूंगी सबसे पहले। तो संगीता जी, हम लोग जिस न्यूमरोलॉजिस्ट को जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, इसलिए मैं अपने दर्शकों को फिर से बता देता हूँ एक बार कि जैसा कि संगीता शुक्ला जी ने कहा कि अगर छह नंबर वाले जातकों को अपने जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, उनके पास धन संपत्ति नहीं है, तो वो सीधा स्क्रीन पर ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, सीधा संगीता शुक्ला जी से संपर्क करें। ये नंबर है 7678427245। संगीता जी आपकी बिल्कुल मदद करेंगी और वो काम के लिए छोटी सी फी चार्ज करती हैं, लेकिन वो छोटी सी राशि आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अंशुमन आपने, क्योंकि देखियो आप होटल में जाते हैं, खर्चा करते हैं, अपने लिए नए नए कपड़े खरीदते हैं, उसके ऊपर खर्चा करते हैं, तो थोड़ा सा खर्चा अपनी लाइफ के ऊपर कीजिए ना कि आपकी लाइफ कैसी है। बिल्कुल, आपकी लाइफ के बारे में जानिए, और जो अच्छा कर रहे हैं उनको भी मैं कहूंगी कि बेस्ट से बेस्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ से निकालना चाहिए, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या अच्छा अच्छा छुपा हुआ है वो आपको पता ही नहीं है। जब आप उसको जानेंगे तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अच्छा इतना सब हो सकता था मेरे पास और मैं अभी तक क्या कर रहा था। तो लोगों को अच्छा, चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हुए ए बी और सी कैटेगरी जानते हैं। तो ए कैटेगरी में आता है नंबर 15। नंबर 15 जो है वो सूर्य और ये बुध के मेल से बनता है, तो ये दोनों ही स्ट्रांग ग्रह है, सूर्य और बुध ये दोनों स्ट्रांग ग्रह है, इसलिए इन दोनों स्ट्रांग ग्रह से जो छह नंबर और वीनस, तो मतलब कि ये तीन 15 तारीख तो छह नंबर वालों के लिए, छह मूलांक में 15 तारीख सबसे लकीएस्ट डेट है, क्योंकि इनमें तीन जो स्ट्रांग वाले ग्रह है वो इनको मिल जाते हैं, तो इसलिए 15 नंबर वाले जो 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनको तो मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। और अगर कहीं ना कहीं आपके पास नहीं है इनमें से कुछ भी, तो फिर आप जरूर चेक करवाओ कि क्यों नहीं है आपके पास, मुझे भी आश्चर्य होगा कि क्यों नहीं है आपके पास जी। तो जो माधुरी दीक्षित है 15 तारीख, आलिया भट्ट है 15 तारीख, तो आप देख ही रहो कि हाँ इन सब में कितनी लग्जरी है इनके पास, और सबसे खूबी यह है 15-6 नंबर मूलांक की, 15 का ही नहीं, 15-6-24 जिनका भी मूलांक है ये सारे बहुत यंग दिखते हैं। अच्छा, उम्र से कम। हाँ
हाँ उम्र से कम दिखते हैं क्योंकि एनर्जेटिक बहुत होते हैं ये लोग, कितने भी अभी भी देख रहे हो आप माधुरी दीक्षित कितनी एनर्जी है उनके अंदर, इतनी एज में भी अभी वो इतना सुंदर डांस करती है, इतनी एनर्जी से भरी हुई है। यही नहीं अगर आप देखोगे तो अनिल कपूर, वो भी 24 तारीख है उनकी भी, तो वो अच्छा, भी अनिल कपूर छह का डेट। मूलांक वाले हैं, तो वो भी आप लोग जानते ही हैं कि वो भी अपनी एज से कम ही दिखते हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं और हमेशा यंग दिखते हैं। तो छह मूलांक वाले हमेशा यंग दिखते हैं, कम अपनी उम्र से दिखते हैं और एनर्जेटिक रहते हैं बहुत, उनके भगवान ने इतनी भरपूर एनर्जी इनके अंदर दी हुई है कि ये लोग शांति से कहीं बैठ ही नहीं सकते, नया 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 कुछ ना कुछ अपने जीवन में करते ही रहते हैं। तो और नंबर अब इसमें छह में आता है, नंबर छह नंबर जो है वो इसमें अब सेकंड नंबर पे आ गया है, बी कैटेगरी पे आ गया है। सिंगल नंबर होने के बावजूद ये बी कैटेगरी में है क्योंकि वीनस जो है वो स्ट्रांग है, बिल्कुल स्ट्रांग है, इसलिए ये बी कैटेगरी में आता है। और रणवीर सिंह, इनका वो 6 तारीख को जन्मे हैं। अब रणवीर सिंह ने भी आपको देखा देखा होगा कि कितनी छोटी उम्र में इन्होंने अपार सफलता सफलता प्राप्त से। कर ली। हाँ बॉलीवुड अच्छा, में इसमें मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि 24 नंबर जो है उसमें भी तो दो राशियां, मतलब ये तीन राशियां शामिल हैं, तीन ग्रह शामिल हैं, तो फिर वो सी कैटेगरी कैसे होगी? उसको तो हाँ कैटेगरी बी होना चाहिए था ना। हाँ बी होना चाहिए था लेकिन नहीं है, क्योंकि वो चंद्र और राहु के मेल से बना है और चंद्र और राहु थोड़े एंडी नंबर से, तो 2 और 4 जो है वो विरोधी नंबर है, इसलिए ये सी कैटेगरी में आता है। वैसे आप अगर जिनको इसका ग्रहों का जो खेल नहीं पता है कि ग्रहों की क्या खेल होते हैं, तो इसलिए नॉर्मल है कि स्वाभाविक आपके मन में ये उठना ही चाहिए, क्योंकि नंबर 5 में मैंने बताया था कि जो सिंगल डिजिट वाला है वो सी कैटेगरी में आता है और डबल डिजिट वाला हमेशा ऊपर रहता है, लेकिन यहाँ पर डबल डिजिट होने के बावजूद जो है 24 नंबर कम इसमें आ गया है क्योंकि दो चंद्र और राहु के मेल से वीनस बना है, तो चंद्र और राहु 2 और 4 नंबर जो है वो हमेशा एंटी नंबर रहते हैं, इसलिए। तो वैसे सुभाष घई, वरुण धवन और अनिल कपूर ये लोग 24 तारीख को रिप्रेजेंट करते हैं और सभी यंग हैं, और ऐसा नहीं है कि ये लोग जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करते, सफलता तो इनको मिलती है, जरूर मिलती है, क्योंकि वीनस भी आ गया ना इनके साथ इसलिए। लेकिन खाली अगर 2 और 4 का अगर मेल होता है तो वो थोड़ा अपोजिट नंबर हो जाता है इसलिए। और इसमें आगे चलते हुए मैं ये बताऊंगी कि 6 मूलांक वाले हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, ये लोग कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखते हैं, अगर कुछ भी अगर कुछ बुरा भी हो जाएगा ना तो भी ये लोग यही सोचेंगे चलिए ईश्वर की यही इच्छा थी इसीलिए ऐसा हो गया, तो हो सकता है कि ईश्वर ने इसमें हमारा कुछ भला ही सोचा होगा, इसलिए हमेशा ये पॉजिटिविटी से भरे हुए होते हैं 6 मूलांक वाले, इनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ही कम होती है, और मैं तो कम क्या ना के बराबर होती है, ये किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रहती है इनका, नेचर वही सकारात्मक रहता है हमेशा। ये 6 नंबर जो है वो हार्मनी, लव, पीस और ब्यूटी का नंबर, अच्छा, तो हाँ जैसे कि मैंने बताया कि ब्यूटी है, लोग यंग रहते हैं तो उनकी खूबसूरती बरकरार रहती है, सकारात्मक होते हैं तो सभी से प्यार करते हैं, शांतिमय होते हैं इसलिए पीस का इसको नंबर बोलते हैं, और हार्मनी तो है ही, तो ये सब चीजें जिसके अंदर होती है तो बट नेचुरल कि वो इंसान इतना हमेशा खुश रहेगा और लोग इनसे दोस्ती करना भी चाहेंगे, तो 6 नंबर वालों की भी जिनसे दोस्ती होती है तो सामने वाला खुश रहता है क्योंकि रहता है। वो हमेशा पॉजिटिव से भरा हुआ होते हैं, सुंदर तो होते ही हैं 6 नंबर वाले, इनका मुख भी बहुत सुंदर होता है, सुंदरता की देवी इनके ऊपर कृपायमान रहती है क्योंकि शुक्र ग्रह जो है, वीनस। और प्रकृति से बहुत प्यार होता है इनको, नेचर लवर होते हैं, प्रकृति चाहे सी बीच की हो या पहाड़ों की हो या फूलों की महक हो या कुछ भी हो, इनके घर में गार्डन जरूर होगा,
ये थोड़े थोड़े दिनों में सी बीच की मुलाकात करना चाहेंगे, थोड़े थोड़े दिनों में पहाड़ों पे जाना चाहेंगे। तो ये लोग हमेशा खूबसूरती मतलब कि नेचर के बहुत करीब रहना चाहते हैं। थोड़े थोड़े दिनों में इनको लगता है कि भाई हम कहीं नेचर के पास होके घूम के आए, अगर शहरों की भीड़ भाड़ में रहते हैं तो। बाकी जो नेचर के पास रहते हैं उनके लिए तो कुदरत है ही, और वैसे भी खूबसूरती जो है नेचर की वो तो सभी लोगों को खुश कर देती है, एक रिचार्ज कर देती है। अगर आप कहीं नेचर के पास जाते हैं तो आपकी बॉडी पूरी रिचार्ज हो जाती है। तो 6 नंबर वाले वैसे ही पूरे साल रिचार्ज ही रहते हैं, क्योंकि एनर्जी इनके अंदर भरपूर रहती है। अब इनके लकी नंबर और लकी प्लस के बारे में बता दें। इनके जो लकी नंबर्स हैं वो है 1, 5, 6 और 7, अच्छा, वन और फाइव सिक्स और सिक्स सेवन और सेवन। इनका लकी स्टोन है डायमंड, अच्छा, डायमंड। सफेद रंग का होता हाँ, क्योंकि वैसे ही लग्जरी का नंबर है ना, तो इनका स्टोन भी थोड़ा लग्जरी वाला है, थोड़ा हाई है। क्वालिटी का है। डायमंड इनका लकी स्टोन है, तो डायमंड अगर ये लोग पहनते हैं, अपने पास रखते हैं, तो इनकी जो एनर्जी है वो हमेशा बरकरार रहती है। तो 6 नंबर वालों से मैं कहूंगी कि डायमंड हमेशा पहना कीजिए। अगर डायमंड नहीं खरीद सकते हैं तो व्हाइट स्टोन ले ले कोई, अच्छा, मोती भी ले सकते हैं, मोती भी पहन सकते हैं क्योंकि वो भी व्हाइट होता है, लेकिन डायमंड खरीदे तो ज्यादा अच्छा है। और ईश्वर की इनकी कृपा रहती है, ये लोग डायमंड खरीदने के लायक तो होते ही। और दूसरा, मैं एक 6 नंबर वालों का जो इनका लकी नंबर्स तो 1, 5, 6, 7 मैंने बताया, लेकिन 3 नंबर जो है वो इनका एंटी नंबर है। कुछ लोग कहते हैं कि 3, 6, 9 ये जो सीरीज होती है वो इनके वो मतलब कि बेनिफिट देती है, लेकिन मैं कहूंगी 6 और 9 तो फिर भी ठीक है, क्योंकि 6 को उल्टा करोगे तो 9 बन जाएगा, इसलिए 6 और 9 का मेल तो बनता है। लेकिन 3 नंबर जो है वो 6 का 36 का आंकड़ा हो जाता है ना, अगर 6 के साथ अगर आप 3 लगा दोगे तो वो इसकी वजह 36 क्या का है, आंकड़ा। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी तीन वजह यह कि नंबर छत नहीं, देखिए 36, 6 और 3, 3 अगर 6 के आगे आप 3 नंबर लगाओगे तो 3 और 6 क्या हो जाएगा, 36 का आंकड़ा बन जाएगा। तो एक कहावत भी है कि भाई इसके साथ तो हमारा 36 का आंकड़ा है, तो 36 का आंकड़ा मतलब अनबन होना। तो 6 के साथ है वो 3 नंबर अनबन होती है उसके साथ, और वो उसका बिल्कुल ही विरोधी नंबर है। तो 6 के साथ 3 को, 3 से इनको बच के रहना चाहिए। कभी भी अगर आप फुल पार्टनरशिप करते हैं या कुछ भी करते हैं तो इनको 3 नंबर वालों के साथ नहीं करनी चाहिए। कभी भी इनको इनके साथ कंपेयर भी अपने 3 नंबर के घर में नहीं जाना चाहिए। 3 नंबर अपने मोबाइल नंबर का जो जोड़ है वो भी 3 नहीं रखना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। और तीन तीन नंबर का नंबर स्वामी कौन जो है है, वैसे? ओ, 3 नंबर का स्वामी देवगुरु है। दैत्य गुरु और देव गुरु का संघर्ष है ये, हाँ जी शुक्राचार्य बिल्कुल और बृहस्पति का संघर्ष है, आप समझ गए बिल्कुल जी। हाँ, इसीलिए। और 3 नंबर जो है वो पीला रंग को रिप्रेजेंट करता है देवगुरु जो है, तो इसलिए 6 नंबर वालों को मैं सलाह दूंगी कि ये पीला नंबर, पीले कपड़े या पीले रंग से थोड़ा दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। इनके जो लकी कलर्स हैं वो है लाल, सफेद और हरा, ये इनके लकी लाल कलर्स। सफेद और हरा पूर्णांक वालों के लकी कलर्स। और दूसरा, मैं 6 नंबर वालों को कहूंगी कि ये सफेद चीजों को अधिक खाया करें। सफेद जैसे दूध तो हमेशा व्हाइट पिया करें, और मिठाई से आजकल तो वैसे दूर ही रहे, लेकिन व्हाइट चीजें जो है वो इनको बेनिफिट देती है। सूजी खा सकते हैं, ऐसे जो हेल्दी चीजें, ओट्स खा सकते हैं। तो हेल्दी चीजें जो व्हाइट है उसको, उसका सेवन ज्यादा करें। और शुक्रवार को अगर ये लोग सफेद चीजों का दान करते हैं तो वो इनकी एनर्जी और भी बरकरार रहती। आपने गुणांक 6 के बारे में बहुत सारे गूढ़ रहस्य बताए और बहुत सारी जानकारियां दी, और उनके लिए क्या बेहतर है, कौन से रंग बेहतर हैं, कौन से नंबर्स बेहतर हैं। मेरे ख्याल से गुणांक 6 के सारे जातकों के लिए आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। हम जल्द ही बैठेंगे और आपसे गुणांक 7 के बारे में बात करेंगे।
फिर अभी के लिए आपने आपको बिना दीजिए मुहर वाला धन्यवाद।